अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाबी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत चटपटा और मज़ेदार बनता है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने देसी में घी डाल दिया था गर्म होने के लिए, तो घी गर्म हो गया है तो उसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज लिया था मैंने बड़े साइज का। अब इसको हमने करना है थोड़ा सा डार्क ब्राउन। पुलाव का कलर जो होता है वो ब्राउन बहुत अच्छा लगता है। प्याज को होने देते हैं ब्राउन। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है तो उसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लिया है मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला। इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा है और छोटी सब्ज़ इलायची है। साबुत गरम मसाला लहसुन अदरक प्याज के साथ डालने का मतलब होता है कि इसमें खुशबू आ जाए घी में, जो हमारे मसाले में चावलों में बहुत अच्छी रच बस जाएगी। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी अब टमाटर। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन लिया था मैंने 1/2 kg, आधा किलो। साथ ही इसमें डाल दूंगी मसाले, सूखा पिसा हुआ धनिया है ये 1 बड़ा खाने का चम्मच है, ये डाल देंगे। कुटी हुई सुरख मिर्च है ये भी 1 चाय का चम्मच। नमक मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच, लेकिन इसमें मैं डालूंगी हाफ डालेंगे हम चावल डालने के बाद। हल्दी ली है मैंने 1/2 चाय का चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भून लूंगी मैं मसालों को चिकन के साथ। चिकन को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च जो मैंने ली है 5 अदद। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी का और इसे कवर कर दूँगी तो चिकन है हमारा गल जाए। चिकन को मैंने पानी खुश्क होने के बाद भून लिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। चावल लिए थे मैंने 2 ग्लास। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी पानी। चावल मेरे पास नए हैं, पानी इसमें कम लगेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास चावलों के लिए 3 ग्लास पानी। साथ ही इसमें नमक डाल दूंगी जो 1 चाय का चम्मच रह गया था। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको खुश्क होने देते हैं पानी को। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तो इसको मैं कवर कर दूंगी दम के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। इसको दम पर रखते हैं। 12 मिनट चावलों को दम पर रखे हुए हो चुके थे, कवर मैंने हटा दिया है। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ डिश में। मज़ेदार हमारा पंजाबी पुलाव तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल डेली खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।